Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार पूरा विश्व जो है एक तरह से लॉकडाउन में है और हम सभी अपने अपने घरों से यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं सरकार जो है वो अपनी तरफ से आम लोगों के लिए, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो निचले तबके का परिवार हो या फिर उच्च वर्ग के लोग हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ राहत के पैकेज जो है लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वो राहत के पैकेज उन तक पहुंच पा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका ये मानना है कि मध्यम वर्ग करे पुकार, बिजली स्कूल फीस छूट पर सरकार करे विचार। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सरकार क्या बिजली और जो स्कूल फीस है उसको माफ करने पर विचार कर रही है या नहीं कर रही है, आम लोग और राजनीतिक पार्टियां इस पर क्या सोचती हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शिव जोशी जी, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं। आप दोनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह बिजली के बिल और स्कूल माफी की मांग लगातार चल रही है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए दीपक जी, ये बात सही है, जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ और लोगों के पास आर्थिक तंगी की स्थिति आ गई, अब मार्च अप्रैल और मई ये 3 महीने बिजली के बिल माफ करने की मांग उठ रही है। केवल आम लोग ही नहीं उठा रहे हैं। अब देखिएगा, सत्ताधारी पार्टी का एक कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि सामूहिक कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, यदि वो फैसला कर दे कि हम बिजली के बिल माफ करते हैं तो मानना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। अब विश्वेंद्र सिंह खुद जी इस मांग को उठाने के लिए बीडी कल्ला ऊर्जा मंत्री जी के पास जाते हैं कि आप इसको माफ कीजिएगा। एक एक ये चीज हो रही है। दूसरी तरफ इनकी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी यूपी सरकार से कहती है कि बिजली के बिल माफ करो, लेकिन यहाँ ये बात है कि अगर राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री से अगर वो पहल करें कि देखेगा कि मैं अपने मुख्यमंत्रियों से ये बिजली और पानी के बिल माफ कराने की पहल करती हूँ, उसके बाद यदि वो मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री से जाके डिमांड करे कि देखिए हमारी सरकारों ने कर दिया, इस आर्थिक संकट के वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, तो हम एक पहल करते हैं। राजस्थान में करीब 600 करोड़ रुपए का भार इस पे आएगा, जैसी बात हो रही है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के सदस्य, जो कि देखिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री से बात होनी थी, उससे 2 दिन तक लगातार भाजपा और कांग्रेस के विधायकों और सांसदों से बात की थी। उस वीसी में अधिकांश सांसदों और कई विधायकों ने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप इस संकट की घड़ी में लोगों की बिजली के बिल और पानी के बिल, इसके साथ स्कूल फीस भी माफ करिएगा। देखिए अभी अभी हाल में देखिएगा, 225 करोड़ रुपया आरटीआई के तहत स्कूलों को, निजी स्कूलों को जारी किया है सरकार ने। अब उनसे ये नहीं कह रही, देखिएगा आप निजी स्कूलों की विडंबना देखिएगा कि वो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर, क्योंकि उनको फीस लेनी है इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन आप देखिएगा कि मध्यम वर्ग की परिवार है जो कि इस कोविड के अंदर सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है, उसको कहीं लाभ नहीं मिल पाया। बीपीएल को लाभ मिला, केंद्र सरकार ने भी दिया, राज्य सरकारों ने भी दिया, हमारी सरकार भी 115 करोड़ रुपए के गेहूं खरीद करके ये दे सकती है। तो अब आप 600 करोड़ रुपए का भार है, और वे बात सही भी है कि आज बिजली कंपनियों के पास घाटा की स्थिति है। श्याम जी, मैं आपके पास इसी मुद्दे पर वापस लौटूंगा, क्योंकि हो सकता है तकनीकी कुछ खराबी कारण आप तक मेरी, आपकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शिवजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि क्या 3 महीने की जो स्कूल फीस है या बिजली के जो बिल हैं वो माफ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए शिवजी, हाँ सर, हमारे जो समाज में आम जनता के 3 वर्ग है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। सरकार जो है वो या तो निम्न वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही है, उच्च वर्ग को जोतनी है। यहाँ पे जो पिस रहा है वो आम जनता पिस रही है, मध्यम वर्ग के लोग पिस रहे हैं। अभी जैसा कि जयपुर डिस्कॉम ने जारी किया कि बिजली के 3 महीने के बिल जमा कराने, नहीं तो 1 जून से कनेक्शन काट दिए जाएंगे,
तो ये एक तरफ तो सरकार कहती है कि 3 महीने लॉकडाउन में घरों में रहो, और दूसरी तरफ एकदम से कहती है कि आप बिजली का बिल जमा कराओ। आम आदमी जब कमाने नहीं गया, उसमें पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से जमा कराएगा? कुछ वर्ग, कुछ लोग जमा करा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं करा सकता। उनको सरकार की तरफ से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमें किसी भी हमें तो राहत चाहिए। चलो माफ नहीं करे बिजली के बिल, तो कुछ समय प्रदान करे, कुछ छूट प्रदान करे, 20-25%, 50%, कुछ ना कुछ सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए सरकार को, जिससे कि आम जनता तक भी राहत मिल सके। चाहे वो बिजली और स्कूल की फीस की बात करें, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट लग चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि हमें ये राइट नहीं है, ये राज्य सरकार या खुद ही स्कूल संचालक ही डिसीजन लेवे। तो इसमें जी जो स्कूल वाले हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आर्थिक संकट पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक, जो पेरेंट्स है, अभिभावक, उनको एक राहत प्रदान करनी चाहिए, उनको कुछ फीस कम कर देनी चाहिए या कुछ छूट प्रदान कर दो। मतलब माफ ही करके मैं फेवर में नहीं हूँ, माफ करना तो बिल्कुल जी गलत हो जाएगा, एक तरह तो से किसी के साथ अन्याय हो जाएगा। बिजली माफ नहीं हो सकती, स्कूल फीस माफ नहीं हो सकती। अब जैसे आरबीआई ने कहा कि 3 महीने की ईएमआई में हमने राहत दे दी और अगस्त तक बढ़ा दी, तो वो राहत दिए, टाइम दिया है कमाने के लिए। आम आदमी को कमाने के लिए निकला है, एक दिन में तो आएगा नहीं पैसा, तो उसको टाइम चाहिए। मेन चीज टाइम दो, राहत दो, कुछ परसेंटेज छूट दो। लेकिन शिवजी, यहाँ पर यह भी सवाल है कि मान लीजिए आरबीआई ने 3 महीने की और छूट दे दी इंस्टॉलमेंट्स में, अपनी किश्तों में, तो उसके बाद जब 6 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी पड़ेगी, तो उस समय वो व्यक्ति कहाँ से, एक तो उन दिनों की जो वो है इंस्टॉलमेंट वो लेके आए, और पिछले 6 महीने की भी इंस्टॉलमेंट चुकाए। हम इस पर सर भी पूरी चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन उससे सर पहले हम ऐसा एक है, बार ये देख लेते हैं कि जो बीजेपी की युवा मोर्चा की प्रवक्ता हैं दीक्षा खंडेलवाल, उनका क्या कहना है। इस समय संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, जहां पर सरकार, जहां पर देश की प्रधानमंत्री, जहां पर देश की केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जनता के लिए इंट्रोड्यूस कराया, उतारा, वहीं दूसरी जगह पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी आज भी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई है। मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश पर दिए हुए बयान की, जब वो बार बार योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है, उन्हें हिदायत देती है कि बिजली के बिल माफ करो, तो उनके हाथों की कठपुतली राजस्थान के अशोक गहलोत जी को क्यों नहीं उन्होंने ये हिदायत दी और क्यों नहीं ये पहल की? जनता की अगर मदद करना चाहती, अगर जनता की मदद करने का उनका इंटेंशन होता, तो वो ये पहल खुद के प्रदेश से करती। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां से ये पहल करके अनूठा उदाहरण साबित करती। लेकिन नहीं, झूठी राजनीति करने पर आज भी गांधी परिवार एक नंबर पर है, और किस तरीके से जनता के साथ में अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं। आप लोगों को पता है राजस्थान प्रदेश में जिस समय बिजली बिल माफ करने की बात तो छोड़ो, इस समय पर इस संक्रमण के काल में, इस दुखद घड़ी में, अगर आपने बिजली का बिल नहीं जमा कराया, आपने, हमने, जिस सबने अगर बिजली का बिल नहीं जमा कराया, तो 2% की पेनल्टी सरकार ने लगाई है। ये है इनका न्याय। और बात करती है कि हम जनता के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जाकर के लोगों से मिलकर के झूठी सांत्वना दे रहे हैं। सबको समझने की जरूरत है कि आज भी तुष्टिकरण की राजनीति, आज भी अपनी गंदी राजनीति करके देश में माहौल खराब कर रहे हैं और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़। देखिए, इस मुद्दे पर हमने दीक्षा खंडेलवाल से भी बात की, उनका भी ये कहना है कि सरकार को पूरी तरह से जो बिजली के बिल हैं वो माफ करने चाहिए, और उनका ये भी कहना है कि जब एक तरफ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सरकार को या बीजेपी शासित प्रदेशों में ये आह्वान कर सकती हैं कि बिजली के जो 3 महीने के बिल हैं वो पूरी तरह से माफ होने चाहिए, तो फिर कांग्रेस शासित प्रदेशों में वो इस तरह का पत्र जारी क्यों नहीं करती हैं? ये दोगलापन जो है क्यों है कांग्रेस का, इतनी बड़ी कांग्रेस जो है वो है? इस मुद्दे पर हमने कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत भी करनी चाहिए, लेकिन उनका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। यहां पर श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने 70 साल पूरे देश में राज किया है, आपको नहीं लगता कि अब जो विचारधारा है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है? क्योंकि जो शीर्ष नेता है, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, चाहे कपिल सिब्बल की बात करें, चाहे हम विश्वेंद्र सिंह जी की बात करें, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, सभी के विचारधारा जो है कहीं ना कहीं पार्टी एक है, लेकिन विचारधारा अलग अलग है। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तित है। आप देखिएगा कि प्रियंका गांधी की हैसियत पार्टी में बहुत बड़ी है, और हमारे मुख्यमंत्री जी को जी। तो मुख्यमंत्री का पद जो मिला तीसरी बार, उसे प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल बताया जाता है।
आज इसी स्थिति में यदि प्रियंका गांधी ने अभी देखिए कुछ दिन पहले कहा कि हमें 1000 बस चाहिए, तो पूरा शासन और पूरे कांग्रेस लग गई और वहां पे पहुंचाने के प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में आज अगर प्रियंका गांधी यूपी सरकार को पत्र लिख करके कहती है कि आप करिएगा, लेकिन अपनी सरकारों को वो निश्चित नहीं दे पा रही है, इसलिए सबसे पहले उनको पहल करनी चाहिए अपने सरकारों के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी से घोषणा करनी चाहिए कि हम इतने या 2 महीने के बिजली के बिल माफ करिएगा, एक अमाउंट भी तय कर दीजिएगा कि इस स्तर तक के हम बिजली के बिल माफ कर देंगे। अब देखिए हम किसानों को देते हैं 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली देते हैं, चाहे भले हमारी कितनी महंगी आती है, बढ़ नहीं पा रही, उसके हमको सालाना कितना 11,000 करोड़ रुपया देना पड़ता है, वो देते हैं, सरकार देती है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन आज हम उपभोक्ता जो कि हमारे रीढ़ की जो मध्यम वर्गीय परिवार है जिसके पास अभी मौजूदा स्थिति में आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है निश्चित रूप से, और हमको यहाँ पर एक दिशा देनी चाहिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पहल करनी चाहिए कि देखेगा कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान ऐसा है जो हर चीज पे पहल करते थे, लॉकडाउन में सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने पहल की और बाकी चीजों में ट्रेन मांगी तो मुख्यमंत्री जी ने मांगी, तो वो कहें कि राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है देश में जो कि मध्यम वर्गीय परिवार को छूट देने का प्रयास करता है, और वो दे दें क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट आने वाला नहीं है, एक तय कर लें इतनी यूनिट तक हम छूट देंगे, बहुत ज्यादा यूनिट कहीं नहीं कहें कि इस यूनिट तक हम छूट दे सकते हैं, 300 यूनिट तक का छूट दे दें, बाकी ज्यादा यूनिट वालों से वसूली करें उससे अलग, तो लेकिन हम छूट दे करके भी एक एक सामने सबके सामने एक रख सकते हैं कि हमारी प्रियंका गांधी ने जो यूपी सरकार से मांग उठाई है उसको हम यहाँ लागू करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद मुख्यमंत्री से वो भी कहें कि देखिए हमने लागू करके दिखाया तो यूपी भी लागू करके गए, लेकिन ये दोहरी नीति नहीं चलेगी कि आप एक तरफ तो क्योंकि आपको देखिए 2022 में वहां चुनाव होने यूपी में, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी हैसियत को अपनी पार्टी की हैसियत को बनाए रखने के लिए मांग उठाओ वहां पर, और अपनी पार्टी में जहां पर आपका शासन है, जहां आप शासन में है छत्तीसगढ़ में पंजाब में और राजस्थान में, वहां ये इसको लागू नहीं कराओ, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आम लोगों की भलाई के लिए मध्यम वर्गीय भलाई के लिए, जब आप देखेगा कि अब जो कोर्ट में भी हम चले गए फीस के बारे में से लेकिन नहीं दिया, लेकिन आप 225 करोड़ रुपए निजी स्कूलों के लिए जारी करते हैं तो उनसे कह सकते हैं कि जब स्कूल चली नहीं, बिजली लगी नहीं और कुछ हुआ नहीं, हाँ आधी फीस करिएगा, कुछ तो एक ऐसी नीति बना करके दीजिएगा जिससे कि बीच का जो मध्यम वर्गीय परिवार को उसको कुछ लाभ मिले, केवल डेफर किया, डेफर करने के बाद देखिएगा रोजाना आपके पास SMS आ रहा है बिजली विभाग से कि आप करिएगा नहीं तो 1 जून से बिजली काटी जाएगी, या आपको 5% की छूट पहले वाली दे रहे थे अब नहीं दे रहे, तो ये सारी बातें एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डेफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली कंपनियां वसूलने के लिए बात कर रही है, तो दो तरफा बात नहीं चलनी चाहिए अब क्योंकि जनप्रतिनिधि मांग रहा बिजली बिल के जो लोग हैं जिस कंपनी को पूरा बिजली का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और जो सरकार है उनके आपस का जो तालमेल है, आपसी जो तालमेल है उसमें भी कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आ रहा है। अब देखिएगा दीपक जी मेरी बात तो सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर यदि मांग करता है जो कि उनके हिस्सा होता है वो बड़ी विडंबना है, अगर कैबिनेट मंत्री मांग कर रहा है विपक्ष के सांसद तो मांग कर ही रहे हैं, देखिए जयपुर के सांसद रामचंद्र बोहरा ने मांग की, राजसमंद की सांसद है दिव्या कुमारी ने मांग की, सीकर के वालों ने मांग की, बाकी काफी सांसदों ने कहा कि आप बिजली के बिल माफ कीजिएगा, लेकिन माफ होने की स्थिति बन नहीं रही है क्योंकि बार बार वहां से मैसेज आ रहे हैं कि जम कीजिए, ये बात सही कि अभी तो बिजली के बिल अधिकांश लोगों ने जमा नहीं कराए है क्योंकि पैसा ही नहीं है, सही बात है कि आप जब मार्च से आज स्थिति में आ गए कि 60 दिन से ज्यादा लॉकडाउन की स्थिति बन गई तो पैसा कमाने की स्थिति तो आई नहीं, व्यक्ति बाहर जा ही नहीं पाएगा, कमाएगा तो कुछ दे पाएगा, तो निश्चित रूप से राहत देनी चाहिए बिना ब्याज, या तो कहें कि 3 महीने बाद बिजली का बिल जमा कराएगा और हम आपको उसमें 50%, 20%, 25% की छूट देते हुए आपको ब्याज नहीं लगेगा कुछ नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग की परिवार के पास एक राहत जाएगी और वो राहत निश्चित रूप से आप ही को संबल देगी आने वाले समय में, क्योंकि बिजली का कारक बिजली जो है हर एक उपयोग करता है और मध्यम वर्गीय ज्यादा करता है उपयोग, क्योंकि ऊपर वाले को तो परवाह नहीं होती जब ज्यादा पैसे वाला, और कम वालों को तो वैसे भी होती नहीं है, तो इसलिए एक हमारे मुख्यमंत्री मध्यम वर्गीय को ध्यान नहीं रख रहे बल्कि निम्न वर्ग का ध्यान रख रहे हैं, उच्च वर्ग का तो ध्यान अपने आप उसको रखना उनको रखना पड़ता है क्योंकि वो कई तरीके से उनको लाभ पहुंचाते हैं।
तो ये मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से आपके मन से मांग करना चाहता हूँ कि आप मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ तो छूट दीजिएगा। आप स्कूलों को जब 225 करोड़ रुपए दे सकते हैं आरटीआई के तहत निजी स्कूलों को, तो आप उससे निर्देशित भी कीजिएगा कि नहीं चलेगा। अब आपको 90,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने बिजली कंपनियों के लिए दिया है, कुछ घाटे में चल रही है। बिल्कुल श्याम जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बिल्कुल आपका कहना सही है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर आपने निजी स्कूलों के लिए कुछ किया है तो सरकार को उनको ये आदेश भी देना चाहिए कि वो आम जनता के लिए भी कुछ करे, क्योंकि आम जनता ही है वो देश की सरकार या फिर राज्य की सरकार जो है वो तैयार करती है। और इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर मैं शिव जोशी जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें विचारधारा एक होनी चाहिए, इस तरह की अलग अलग विचारधारा है वो आम जनता भी सब समझती है, तो क्या आपको लगता है कि वहां उत्तर प्रदेश में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है, राजस्थान में कुछ और है, क्या इस तरह की जो अलग अलग विचारधारा है वो कितनी ठीक है? देखिए, यूपी में जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा कि यूपी सरकार बिजली बिल माफ करे, तो ठीक है, एक पॉइंट ये बनता है कि जब कांग्रेस शासित प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ के मुख्यमंत्री को भी एक बार तो उनको कहना चाहिए, इसे विचार करना चाहिए। आम जनता बड़ी कंफ्यूज हो रही है कि एक पार्टी की सरकार दूसरी विपक्ष पार्टी की सरकार में कह रही है माफ करो, यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही। तो मैं कोई बीजेपी कांग्रेस की बात ना करके आम जनता के बिहार पे बात कर रहा हूँ कि उनको भी एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, कांग्रेस सरकार को कहना चाहिए कि एक बार आप इसमें आदेश जारी करें, कुछ तो बोले कि राहत प्रदान कर रहे हैं, छूट प्रदान कर रहे हैं, कुछ तो बाइट्स दे, कुछ तो मीडिया में आके बोले। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोल रही है जोशी जी, इस आम जनता समझ रही है, आम जनता समझ रही है, कोशिश भी की थी, आम जनता बिल्कुल समझ रही है इस चीज को। और मैंने कई बार मैंने इसको सोशल मीडिया पर भी ये मुहिम चलाई थी कि राय मांगी थी जनता से, अधिकतर जनता ने कहा कि बिजली बिल यूज किया तो माफ तो करना ही पड़ेगा। मतलब विपक्ष पार्टी तो क्या है, सरकार गिराने के चक्कर में कुछ ही बोल देती है, बट बात यहाँ पे राजनीति न करके हम कह रहे हैं कि 3 महीने जब घर में रहा बंदा, कमाया नहीं तो कहाँ से लाएगा पैसा। तो मैंने ये कहा कि आप अपने विचार दीजिए, तब मैंने कई सर्वे में निष्कर्ष पाया कि आधे लोगों ने तो ये कहा कि बिजली बिल तो देना चुकाएंगे चाहे कुछ भी करो, आत्मनिर्भर बनो, जैसे मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर मतलब थे जानो था को काम जाना, एक अपन राजस्थानी भाषा में कह सकते हैं थे जानो था को काम जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भर कैसे बने? मौका तो दो। तो मेरी तो खाली इतनी सी राय सरकार से सुझाव जो है निवेदन है कि आप मध्यम वर्गीय आम जनता के बारे में सोचिए, नहीं तो आने वाली जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट है, इसमें उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी सरकार की हो, कोई भी सरकार की हो। बिल्कुल, सरकार कोई भी हो उन्हें आम जनता के लिए सोचना पड़ेगा, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो निम्न स्तर का परिवार हो या फिर उच्च वर्ग का परिवार हो, क्योंकि वोट का अधिकार सभी को है। और जब आप किसी के लिए बेहतर करेंगे तो निश्चित तौर पर आम जनता भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेगी, अच्छा करेगी। और यहाँ पर मेरा एक सवाल श्याम जी आपसे है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, क्या COVID-19 जो बीमारी आई है उसके साथ साथ में राजनीति नहीं आई है? राजनीति ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रही? COVID-19 का फायदा क्या पॉलिटिकल पार्टियां उठा पा रही हैं? नहीं उठा पा रही हैं। अगर उठा रही हैं तो क्यों उठा रही है? क्योंकि ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय है जनता की भलाई करने का। आपको जिस उच्च पद पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनको इस पद पर इसलिए जनता ने बिठाया है कि वो उनका ख्याल रखें, इसलिए उन लोगों को वोट दिया है। तो क्या यहाँ पर COVID-19 के माध्यम से राजनीति करना कितना उचित है? देखिए दीपक जी, आप कुछ दिन पहले 28 तारीख को ही सोनिया गांधी जी ने अपने आप को लीडरशिप स्थापित करने के लिए प्रतिपक्ष के 28 लोगों की मीटिंग बुलाई, इसमें 2-3 उन्हें आए, तो वो राजनीति कर रही है, वो तो देश की नेता बनने के लिए, क्योंकि अभी तक वो आम जिस तरह से पार्टी में सक्रिय थी वो नहीं थी। अब वो इस कोविड के माध्यम से केंद्र सरकार के ऊपर प्रहार करने के लिए, हाल ही में उन्होंने देखिए कि विपक्ष को एकता के सूत्र में बांधने के लिए बैठक बुलाई और कोशिश करी कि कांग्रेस इसके माध्यम से देश में वापस से आ जावे। अब वो मजदूरों की राजनीति बहुत तेजी से हो रही है और मजदूर को कोई पहुंचाना नहीं चाहता उसके गंतव्य स्थल तक, उसको आम व्यक्ति को, क्योंकि उसको केवल पानी और रोटी और उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का ही तो मांग कर रहा है वो जाकर के, बाकी मांग तो बाद में करेगा वो।
लेकिन नहीं कर रहे हैं। कुछ हद तक कांग्रेस ने अपने आप की भूमिका निभा करके केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया, निश्चित रूप से कहा कि भाई आपने नीतिगत निर्णय नहीं किया और समय रहते हुए नहीं किया, उसके कारण आम मजदूर सड़कों पर आ गया और वो हजारों किलोमीटर 800 किलोमीटर 400 किलोमीटर चल के पैदल ही चला गया। बहुत तादाद में देखिए कि प्रवासी मजदूर पैदल ही पहुंच गया, उसके साधन की आपकी परवाह नहीं की। तो एक निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी जो उत्तर भारत के राज्य है वहां पर कांग्रेस अपने आप को सक्रियता दिखाने के लिए जिस तरह की राजनीति कर रही है, कोविड के माध्यम से राजनेता अपनी राजनीति निश्चित रूप से चमका रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, आम व्यक्ति पिस रहा है, आम व्यक्ति इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है, क्योंकि आपका आदेश हो गया कि लॉकडाउन सब बंद हो जाइए। अब आगे वो खाएगा कैसे, रहेगा कैसे? आज हम लॉकडाउन फोर्थ में जब आ रहे हैं तो आप सारी छूट प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब पहली बार जब आपने लॉकडाउन लगाया था तो निश्चित रूप से सब राजनीतिक पार्टी को सहयोग लेकर के बातचीत करके कुछ करना चाहिए था, नहीं कर पाए। क्योंकि जनवरी में जब आपके पहला केस आता है कोविड का, आप उसके बाद 24 मार्च को उसके ऊपर लॉकडाउन में आते हैं, इतने समय में आपने वो सब व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, नहीं की। दोनों पार्टियां अपने आप की राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, क्योंकि सपा वाली तो बिल्कुल गायब है या BSP बिल्कुल गायब है, कुछ ही क्षणों तक घुसी हुई है। तो लेकिन ये बात सही है कि फिर से दो राजनीतिक पार्टी जिसमें प्रमुख रूप से उसमें भी इतना दमखम नजर नहीं आ रहा है कि वो पूरी तरह से विरोध कर पाए सरकार का। देखिए आप वसुंधरा राजे जी दिख रही नहीं है, जो कि अहम भूमिका वसुंधरा राजे जी को दिखाना चाहिए। और आपने देखा कि जब VC हुई थी तो बहन भाई का प्यार और मोहब्बत सामने दिखनी दिखी थी, आपने देखा होगा, तो बड़े आराम से दोनों ने बातें कही, दोनों ने बातें सुनी। तो ये कह रहा हूं कि लीडरशिप की जो प्रबलता है, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता को प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए, वो नहीं निभा पा रहे। देखिए हमारे यहाँ तीन कैबिनेट में मंत्री भी हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत तो कैबिनेट मिनिस्टर है, दो राज्य मंत्री है, लेकिन वो भी प्रभावी भूमिका निभा करके प्रधानमंत्री जी से जो कराना चाहिए नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी तो केवल केंद्र से मांग करते हैं कि हमको ये भी दे दो, हमको ये भी कर दो, ये भी कर दो, लेकिन वो खुद किस तरह से क्या कुछ कर रहे हैं, कहना चाहिए सामने आकर के। ये पहल करनी चाहिए कि मैं बिजली और पानी के बिल बिल्कुल जनता के हित में कहकर के फैसला करते हुए माफ करता हूँ, या हम कहते हैं कि स्कूलों की फीस आधी करते हैं। तो ये बहुत सारी पहल करके आप देश में एक अच्छी राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि आप देने का हमेशा काम करते हैं, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। अब लेकिन आपको यही मान लेना चाहिए कि जब प्रियंका गांधी आपकी पार्टी की प्रभावी नेता है, आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य दो ही है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, दो ही इस देश में कांग्रेस का भविष्य है, इस भविष्य का ही कहना मान लो और बिजली पानी और फीस को माफ कराने का एक पहल कर दो कि भाई इतने तक हम माफ करते हैं, पूरा माफ कीजिएगा कि 300 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने की हम दो दिन की दो माह की घोषणा करते हैं, करिएगा, कुछ तो करके दिखाइएगा, जिससे कि आप कह सको राजनीति में देखिएगा कि हमारी प्रियंका गांधी ने कहा है आप यूपी को, हम उसकी उसको ग्रहण करते हुए पहल करते हैं। तो एक नया राजनीतिक संदेश भी जाएगा और आपकी राजनीति जिस प्रकार से, क्योंकि सोनिया गांधी बिल्कुल श्याम जी, एक नया राजनीतिक संदेश भी जाएगा अगर आप मध्यम वर्ग परिवार को ध्यान रखते हैं या निचले स्तर के परिवार का ध्यान रखते हैं, या बिजली और स्कूल फीस जो है उसको माफ करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आप रियायत देते हैं, तो निश्चित रूप से जो आम जनता है वो आपका ख्याल रखेगी। शिव जोशी जी, आप क्योंकि वकील हैं, सोशल मीडिया में भी आप छाए हुए रहते हैं, आप अनेक लोगों से आपकी मुलाकात भी होती है, तो क्या आपको लगता है कि जो COVID-19 है, जो कोरोना वायरस संक्रमण जो फैल रहा है, इसके ऊपर जो बिजली का बिल है या स्कूल फीस है, इसको माफ करने या नहीं करने पे जो राजनीति हो रही है वो कितनी उचित है? देखिए COVID-19 में बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, कभी ना किसी पॉइंट पर तो राजनीति हो ही जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए वो गलत है जी। अब क्योंकि ह्यूमन बीइंग नेचर होता है कि कहीं ना कहीं आदमी थोड़े दिन सही करता है, लेकिन बाद में वापस उसकी बातों में, उनके विचारों में कहीं ना कहीं राजनीति के शब्द आ ही जाते नजर। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आम जनता को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, सरकार स्कूल संचालकों को भी देखना चाहिए, बिजली विभाग को भी देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि जहां पे एक तरफ मोदी जी ने PM केयर फंड में लोगों से पैसा मांगा कि हमें सहायता दो, CM साहब ने भी फंड में से लोगों से अपील करी कि पैसा दो, आज हम कहते हैं कि आम जनता के लिए फंड दो आप,
हमें भी दो, मतलब फंड कर लो, हमें मतलब पूरी जनता को दो, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दो। ठीक है, आर्थिक संकट आया है तो आर्थिक संकट सोचिए, जो गरीब है, जो जिनकी इनकम जी बिल्कुल नहीं हो रही, उनपे क्या कितनी बड़ी समस्या आ रही है, उनके भूखे मरने के लाले पड़ रहे हैं, मतलब वो समझ नहीं पा रहे क्या करें। मजदूर हो चाहे गरीब किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वकील हो, कोई भी हो, चाहे उच्च वर्ग हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति पर इसका इफेक्ट पड़ा है, भयंकर इफेक्ट पड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि मानसिक तनाव में लोग आ जाए, कुछ गलत कर जाए, कहीं अराजकता न फैल जाए, कहीं लोग इतने विरोध में आंदोलन में न आ जाए कि देश का विनाश हो जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि लोगों से, सरकार से, कि प्लीज सब मिलके, विपक्ष पार्टी और पक्षी पार्टी सब मिलके, एक साथ मिलके कोई सोल्यूशन निकाले, सुने जनता की, सुने जनता के, लोगों की राय लेवे। आज मीडिया भी चल रहे हैं, आप भी, आपने भी बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता जी हूँ कि हर व्यक्ति की चल रहा है कि राजनीति ना करे कि साहब दिया कुमार जी ने कह दिया कि माफ करो, कि दिया कुमार जी विपक्ष की है, पर बात गलत नहीं कही उन्होंने, राजनीति के उद्देश्य से अगर कही ना उन्होंने बात तो गलत है, लेकिन आम जनता के हित के लिए कही तो सही है। राजनीति की जी बू नहीं आनी चाहिए उस जगह, राजनीति की बू आते ही सामने वाला नहीं करेगा माफ, वो देखा अपने हमें गिराने के लिए कर रहा है बात निश्चित तौर पर कांग्रेस, ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो बिजली के बिल हो या फिर स्कूल की फीस हो, कहीं ना कहीं उसमें राहत दे, राहत की कोई गुंजाइश देना दे, चाहिए, या फिर बिल्कुल देना उसको चाहिए। माफ करे चलते चलते, क्योंकि अब समय की भी एक सीमा होती है। चलते चलते मैं श्याम जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर लोगों को और सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि जो स्कूल की फीस है और जो बिजली के बिल है वो माफ होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। देखिए दीपक जी, मैं तो मुख्यमंत्री जी से एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि वह अपने आप जी को मध्यम वर्गीय के लिए, आप दिलों में छाने के लिए निर्णय करें। वो निश्चित रूप से पूरी माफ नहीं करे तो एक तो एक समय सीमा बांध दें कि हम 300 यूनिट तक बिजली के बिल माफ करते हैं और स्कूलों की जी आधी फीस कर दें। निश्चित रूप से आने वाला समय मुख्यमंत्री जी का अच्छा होगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि समय आया था जब मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिया नहीं, आज वो मांगने का अधिकार नहीं रखते। इसलिए हमारे टैक्स के जी पैसे में से माफ कर दीजिएगा, 600 करोड़ बनते हैं, 300 करोड़ आप माफ करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय आपका बुलंद होगा और प्रतिपक्ष को कहने की स्थिति में आ जाएंगे, देखिए कि हमने तो माफ करके दिखा दिया, अब यूपी भी माफ करके दे दे, प्रियंका गांधी बिल्कुल सी को करते भी कुछ करें तो इस प्रदेश का भला होगा, मध्यम वर्ग के परिवार का भला होगा। और जो आपने मुहिम उठाई है, मैं कह सकता हूं कि आपकी मुहिम आने वाले समय में सफल हो सकती है, ये मान के चलिएगा कि आपकी मांग निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के कानों तक जाएगी, और क्योंकि उनकी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मांग जायज है, मध्यम वर्ग जी के परिवार पीड़ित है, पीड़ित के लिए अगर इस समय अगर आप और हम सब मांग उठाएंगे तो सत्ताधारी पार्टी को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपकी मुहिम के लिए आपको तो बिल्कुल धन्यवाद देता हूं कि आपने एक असली मांग जो मध्यम वर्गीय परिवार की है उसको उठाई है, और वो सफलता निश्चित रूप से, क्योंकि आप नेक काम के लिए आप मांग उठा रहे हैं, आपके आपका कहीं स्वार्थ नहीं है यहाँ पर, स्वार्थ है कि मध्यम वर्गीय परिवार को किस प्रकार से राहत बिल्कुल मिले, और आप ही की पार्टी की प्रियंका गांधी वो संदेश दे रही है बिल्कुल देश में, तो संदेश को अपनाने में मुख्यमंत्री को नहीं है परहेज करना चाहिए, उनकी पार्टी के लोग, प्रतिपक्ष के लोग और सारी चीजों को मिलकर के एक बार घोषणा कर दें तो मुख्यमंत्री जी पूरे देश में छा जाएंगे। बिल्कुल। चलते बहुत, चलते शिव जोशी जी आपका क्या विचार है? मेरा तो बस यही विचार है कि सरकार तुरंत से तुरंत एक अपने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता की जितनी भी समस्याएं उनके बारे में एक बार क्लियर कह दे, करना क्या जी है, करना है नहीं करना, वो ठीक है आम जनता भरेगी नहीं भरेगी तो कनेक्शन भी कटेंगे या नहीं चुका पाएंगे जो भी होगा, लेकिन एक बार सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आ जाए कि क्या कर रही है, मतलब क्लियर हो जाए बिल्कुल माफ करना है। अभी भी लोग असमंजस की स्थिति में है कि जमा कराए नहीं कराए, अगर लोगों को पैसा है तो करा रहे, कई लोगों ने करा दिया और कई लोग करा रहे हैं, मैंने कहा कई ने कहा कराना चाहिए, बिजली यूज करोगे तो करोगे, जमा तो कराना ही पड़ेगा, बात वो नहीं है, बात है छूट, थोड़ी सी राहत, हेल्प, सुविधा, मतलब कहीं ना कहीं से आप किसी को सपोर्ट तो चाहिए ना, बस वो बिल्कुल चाहिए, सपोर्ट बिल्कुल, आम जनता चाहिए। यही चाहती है कि उनको बिजली के बिल में और स्कूल की जो फीस है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिले, कहीं ना कहीं छूट मिले, और सिटी लाइव न्यूज का यही उद्देश्य है कि वो आम जनता की जो आवाज है वो सरकारों तक पहुंचाए, चाहे वो राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो, हम कितने सफल होते हैं नहीं होते हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम लगातार
आम जनता की जो आवाज है वो बनकर हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। श्याम सुंदर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए धन्यवाद। शिव जोशी जी, आप भी हमारे कार्यक्रम में आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार। City Live, a platform to sharing your thoughts.